अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको अल्लाह के एक ऐसे वली का वाकया बताएंगे जो विलायत से पहले एक मशहूर डाकू थे जिनके नाम से पूरा शहर कांप उठता था। आखिर वो अल्लाह के वली कैसे बने, चलिए हम वीडियो में जानते हैं। दोस्तों हजरते सैयदना अली बिन हसरम अलैहिरहमा फरमाते हैं कि मुझे हजरते सैयदना फुजैल बिन अयाज अलैहिरहमा के एक पड़ोसी ने बताया कि तौबा करने से पहले हजरते फुजैल बिन अयाज रहमतुल्लाह ताला अलैह इतने बड़े और नामवर डाकू थे कि जिनके नाम से पूरा शहर कांपता था। कोई भी उनके शहर से नहीं गुजरता था। लोगों के दिलों में हजरते फुजैल बिन अयाज का खौफ बैठ चुका था। कोई भी काफिला हजरते फुजैल बिन अयाज के इलाके से नहीं गुजरता था। हजरते फुजैल बिन अयाज इतने खतरनाक डाकू थे कि पूरा का पूरा काफिला अकेले ही लूट लेते थे। दोस्तों हजरते फुजैल बिन अयाज कैसे अल्लाह के वली बने, उनके साथ ऐसा कौन सा मामला पेश आया। दोस्तों एक मर्तबा एक काफिला हजरते फुजैल बिन अयाज के इलाके के करीब से गुजरा तो उन लोगों को वहीं पर रात हो गई। सारे काफिले वालों ने रात गुजारने की नियत से वहीं पर डेरा डाल दिया। जब हजरते फुजैल बिन अयाज डाका डालने की नियत से काफिले के करीब पहुँचे तो हजरते फुजैल बिन अयाज ने काफिले वालों को ये कहते हुए सुना कि तुम इस बस्ती की तरफ न जाओ बल्कि कोई और रास्ता इख्तियार कर लो, क्योंकि यहाँ एक फुजैल नामी बहुत ही खतरनाक डाकू रहता है जो हर आने जाने वाले काफिलों को लूट लेता है। हजरते फुजैल बिन अयाज ने जब काफिले वालों की ये आवाज सुनी तो आप पर कपकपी तारी हो गई और आपने बुलंद आवाज से कहा, अय लोगो, मैं हूँ फुजैल बिन अयाज, मैं डाकू फुजैल बिन अयाज ही हूँ और तुम्हारे सामने मौजूद हूँ। जाओ और मैं कहता हूँ कि तुम जाओ, बेखौफ होकर जाओ, तुम लोग मुझसे महफूज हो। खुदा की कसम आज के बाद मैं कभी भी अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं करूँगा। इतना कहकर आप रहमतुल्लाह ताला अलैह वहाँ से चले गए और अपने तमाम साबिका गुनाहों से तोबा करके राहे हक के मुसाफिरों में शामिल हो गए। दोस्तों एक और कौल के मुताबिक आप रहमतुल्लाह ताला अलैह उस रात काफिले वालों की दावत की और फरमाया, तुम फुजैल बिन अयाज से अपने आप को महफूज समझो, फिर आप रहमतुल्लाह ताला अलैह उनके जानवरों के लिए चारा वगैरह लेने चले गए। जब वापस आए तो किसी को कुरान पाक की ये आयते मुबारका तिलावत करते हुए सुना जिसका तर्जुमा ये है कि क्या ईमान वालों को अभी वो वक्त ना आया कि उनके दिल झुक जाए अल्लाह ताला की याद के लिए। दोस्तों कहा जाता है कि कुरान करीम की ये आयत हजरते फुजैल बिन अयाज के सीने में उतर गई और आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने गिरिया वजारी शुरू कर दी और अपने कपड़ों पर मिट्टी डालते हुए कहा, हाँ क्यों नहीं, अल्लाह की कसम अब वो वक्त आ गया, अब वो वक्त आ गया। आप रहमतुल्लाह ताला इसी तरह रोते रहे और फिर अपने तमाम साबिका गुनाहों से सच्ची पक्की तौबा कर ली और अल्लाह के एक नेक वली बन गए। दोस्तों कैसे होते थे अल्लाह वाले, उनका ईमान कितना मजबूत होता था कि कुरान पाक की एक आयत सुनकर उनकी दिल की दुनिया बदल गई और वो अल्लाह के एक नेक वली बन गए जिन्हें हजरते फुजैल बिन अयाज रहमतुल्लाह ताला अलैह के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हम सबको सच्ची पक्की तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक